हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज बहुत दिन के बाद लॉन्ग वीडियो आ रहा है। बहुत भाई बोल रहे थे भैया ना चैलेंज आ रहा है ना व्लॉग आ रहा है, तो आज आपका भाई आपके लिए एक चैलेंज लेके आया और थोड़ा स्पेशल है। आज तक ऐसा चैलेंज नहीं हुआ है, नॉर्मल चैलेंज हमने किए। तो आज जो हम सब क्रिकेटर का ड्रीम रहता है ना, इंडिया की, वो चीज़ हमारे पास हो, इंडिया खेले तो फील कैसा होता है, ऐसा ही आज एक स्पेशल गिफ्ट मिलने वाला है जो भी विनर होगा। आज के चैलेंज में जो विनर होने वाला है उसको ये इंडियन क्रिकेट प्लेयर का हेलमेट मिलने वाला है। और इस हेलमेट की अहमियत मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि कल ही मैं एक बाउंसर से चोटिल हुआ और हेलमेट ना लगाने के नुकसान आप देख ही सकते हैं मेरे कितनी चोट लगी है। और ये किस इंडियन क्रिकेट प्लेयर का हेलमेट है ये वीडियो के लास्ट में आपको दिखाएंगे। गाइज, पहली बार ऐसा हो रहा है इंडियन क्रिकेटर का हेलमेट चैलेंज में लगा हुआ है, देखते हैं कौन विनर होगा। और भाई फील अलग आती है भाई जब देखते हैं ना सामने से, जब आप रियल में देखोगे ना अलग फील आती है और पकड़ते हुए भी। और आज चैलेंज थोड़ा अलग होने वाला है। आज देखा जाएगा बैट्समैन के बेसिक और उनकी टेक्निक, क्योंकि आज हम छक्के का नहीं खेल रहे हैं, आज हम ग्राउंड के अंदर ही खेलेंगे। और 6 ओवर का अपना मैच होने वाला है। रूल आपको मैं पूरा समझा दूं और कौन किसकी टीम में है वो भी दिखा दूं। तो गाइज, मनीष की टीम यहाँ से शुरू होती है। बहुत तगड़ा टैलेंटेड बंदा है, इसका मैं दिखाऊंगा आपको लोग में। ये नितिन, ये दीपक, ये इंडिया, इंडिया किस कारण है इसका नाम वो बताएंगे, या बुजर और वसीम भाई हेलमेट के साथ। यार इंडिया क्यों बता रहा, सोचेंगे इसका हेलमेट है। गाइज, हमारी टीम यहाँ से स्टार्ट होती है। मेंडिस पे बहुत ज्यादा दारदार है, क्योंकि ये लेफ्ट आर्म खतरनाक गेंदबाज भी है। ये भी आयुष और अनस भाई का नाम सूर्या, इनका टैलेंट अभी आपको देखने को मिलेगा। नाम क्या है भाई? और साथ में ये देखो, इसके ऊपर चल रहा है चैलेंज। कौन जीत रहा है? कौन जीतेगा? कौन जीत? ये नजर बोल रहा हूँ। गाइस, हमारे चारों तरफ के रन है भाई, जो ऊपर जाएगी ना उसका रन है। अगर नीचे को जाएगी तो 4, सीधा लगेगी तो छक्का और बाहर जाएगी तो आउट। तो ऐसे ये चारों मैच स्टार्ट हो गया। हमारे साइड से मेंडिस नॉन स्ट्राइक पे और आयुष और बॉलिंग दीपक डाल रहा है। भाग भाग भाग, अबे क्या कर रहा मेंडिस, अबे कहां के रन लेगा। और ड्रॉप, भाग 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 भाग, 4 बैटर बैटर ना ना नोट कर, भाग भाग भाग, आजा आजा यूं आयुष घंटा, आजा बढ़िया बढ़िया बाउंड्री। तेईस रन इसी के साथ। बाउंड्री गाइस, 3/28 हो गए। इस टाइम सही चल रहा है हमारा, आयुष के बैट पे बढ़िया बॉल आ रही है, तो कोशिश करेंगे और 3 ओवर में 28 बना दे। 60 के करीब रन, 60 के करीब रन आ गया ना तो बढ़िया हो जाएगा। देखो नेट के पास जो फील्डर खड़ा है ना, उसके बॉल लगी जो नेट पे बैटिंग कर रहे थे वहां से आके। यार इसे अब तो टाइम, अब दे दो पानी, पानी दे दो, पानी यार पानी। इसका वहां खड़ा था फील्डिंग पे कर रहा था, तो सीधा आगे उसके सर में लगी। अभी तो डॉक्टर के लेके जा रहे हैं उसे, वैसे तो सही है, दर्द हो रहा है, बस देखते हैं क्या होगा। नितिन आ चुके हैं, डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसा लग रहा है आपको? आराम हो पहले तो भाई, आराम है, तगड़ा आराम है, तगड़ा। तो नितिन को आराम मिल चुका है। अब हमारी बैटिंग की बारी, 28 रन हो रहे हैं 3 ओवर में। उधर गुलगुला बॉलिंग पे आ चुका है, चार रन। पांच रन पंजा, चौका, 43 रन। बाउंड्री 53, एक और चौका 58, चक्का और गाइस 34 रन आ गए। बहुत बड़ा हो रहा है गुरगुले का,
और अभी भी दो ओवर बचे हैं, टोटल रन कितने हो रहे? 64। और ये आउट हो चुके हैं। अब अनस आ गया, भाग भाग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वाह चार, कुछ दे रहे हैं, अगर बच्चे आगे फिर निकल पाने के। भाग 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 भाग, छोड़ दे इंडिया, इंडिया छोड़ इंडिया। अबे तो ये इतना जो आपकी टीम ने खा लिया, क्या कहना चाहोगे? ये इसने काफी अच्छी बॉल डाली ना, गुलगुले ना। हम इतने अच्छी कंडीशन में, तो अब देखते हैं लास्ट ओवर है कितना रन आ पाएंगे। बढ़िया बढ़िया भाग, चार 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 चार। तो गाइस इसके सर पर लगने के बाद फील्डिंग करा लड़का, एक कमेंट तो बनता है इसके लिए, क्योंकि लोग हार मान जाते हैं बॉल लग गई हो गया हो गया, पर वो फिर भी खड़ा है। ये है असली क्रिकेटर की पहचान। बे यार कितने रन बनाए हुए तुमने? 50 कर दिए। हो गया हो गया, भाग भाग रहा है शॉट यार, आते ही चौका। 82 वसीम भाई, 82 शतक होने वाला है। चला आचार, मेरी बात सुनो, इधर इधर आओ, इधर आओ भैया। बस कीपर ढंग का टाइम है, टप्पा खाने पर टाइम दे रहे हैं, मुझे कितना टाइम देना? तू जाइए कीपर, बल्ले फेंकने, कीपर तुझे पड़ पड़ो के रोक ले, चेक नहीं करी वो पीछे गलती कर रहे थे। और सबसे बड़े जो बोल करेगा एक्स्ट्रा मिलेगा टप्पे चढ़ने या बल्ले से, इतना धन्यवाद। हां हां ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, पहले मैं डालना। पहली बॉल आती हुई और ये चार रन, पहली बॉल पे पहला चौका। दूसरी बॉल आती हुई और ये दो रन की कॉल। अरे फिरोज जी, फिरोज जी ने लेट कट खेला है। स्ट्रेट ड्राइव और ये चौका। वाड़ा ओ इसके ओवर ने हमें बहुत ज्यादा सहारा दिया, चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ से स्पेशल आया था और ये यहाँ नेट करा था, जबरदस्ती बुलाया गया। गाइस 500 रुपए थे, पेटीएम आ जाएंगे, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। हाँ पूछ ले। भैया यार चल, एक बैटिंग दूसरी बैटिंग दे रहे हम, चलो फिर तो। अरे भैया वो भी तो बता रहे लोग, वो मेरे कुछ भैया यही शॉट यार, पड़ा दो 18-22 हो गए शॉट और चार रन शॉट, पूरे चार रन गाइस। गाइस 3 ओवर में 31 रन है, अभी तक 70% मैच हमने ले लिया, क्योंकि इनके मेन बैट्समैन सारे आउट हो गए, ये यमन बच रहा है और एक इंडिया हुए और दिखी भी नहीं इंडिया को। अगली बॉल गाइस, और हेलमेट आधा आ गया है, इंडिया का फ्लैग फ्लैग बचा है, वो भी बचाओ इसके बाद। गाइस मुरझाए कप्तान साहब, मुरझाए चेहरे से बैठे, देखो मैच में अब सिर्फ औपचारिक औपचारिका क्या हो वो ही बची है जो ये बोल रहा है, गुलगुला। ओह गुलगुला के बैट काफी लेट, फेंक दो बाबू, काफी लेट गुलगुले, एक बॉल 22 रन गुलगुला जी हाँ। ओह ये भी नहीं जा रहा है, ये जा रही। तो यहाँ पे विशाल की टीम मैच जीत चुकी है और उनको ये गिफ्ट दिया जाता है हेलमेट, जो कि हमारे रूकी के इंडियन क्रिकेट प्लेयर ऋषभ पंत, उनका ये हेलमेट है।
ये हम विशाल की टीम को गिफ्ट करते हैं। तो गाइस ये आ गए और इसमें देसी ने बहुत तगड़ी परफॉर्म करा, अकेला ही अलग विकेट पर खेला था, हम सब अलग विकेट पर खेल रहे थे, 50 से ज़्यादा रन बनाए। तो अब हेलमेट ही हमारी पूरी टीम का है, हम सब यूज़ करेंगे जब भी चांस मिलेगा खेलने का, और अच्छा लग रहा है देख के, फील अलग होती है।